राकांपा भिवंडी शहर में जिलाध्यक्ष शेख खालिद गुड्डू ने फिर से भिवंडी में बिजली सप्लाई करने वाले टोरेंट कंपनी के विरोध में हल्ला बोला आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि टोरेंट पावर कंपनी के मनमानी कार्यभार के खिलाफ राष्ट्रवादी पार्टी के खालिद गुड्डू जनता के हक के लिए लड़ते आ रहे हैं, जिसे लेकर कई धरना मोर्चा आंदोलन पत्र व्यवहार किया। इसी कड़ी में टोरेंट पावर पर लगाम लगाने के लिए राकांपा संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार ने हस्ताक्षर करते हुए टोरेंट पावर कंपनी की मनमानी कार्यभार को लेकर टोरेंट के आला अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की, जिसमें टोरेंट के अधिकारियों ने कई मांगों को माना था, लेकिन आज तक टोरेंट की मनमानी का आलम यह है कि किसी भी मांग पर अमल नहीं किया। खास बात तो यह रही कि लोकसभा चुनाव के दरमियान मुख्यमंत्री ने भिवंडी की एक जनसभा में टोरेंट पर खूब निशाना साधा और कहा था कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही टोरेंट पर इंक्वायरी बिठाएंगे और टोरेंट के जुल्म से भिवंडी को बचाएंगे, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। भिवंडी शहर में टोरेंट के लोग टोरेंट को लेकर कई अफरा तफरी मची हुई है। पूरे शहर में टोरेंट की धांधली चल रही है। 13 नवंबर 2018 को एक शरद पवार साहब के साथ मीटिंग हुई थी आपकी, आपने जो आंदोलन किया था उसमें कई मुद्दे थे, उस मुद्दों पर अब तक टोरेंट ने क्या क्या अमल बजावनी की हुई है या नहीं की हुई है, अब तक आपको क्या जानकारी है उसके बारे में? देखिए, 13 अक्टूबर 2018 को जो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय सज्जन जी पवार साहब की मौजूदगी में, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री बावनकुले साहब की मौजूदगी में सह्याद्री में जो मीटिंग हुई थी, 8 मुद्दों पे जो है उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था टोरेंट कंपनी को। एज पर डायरेक्शन, जो भी वो डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन को इन्होंने अमल नहीं किया और ना ही किसी डायरेक्शन के, शासन के डायरेक्शन को ये मानते हैं। ये सिर्फ अपने फायदे की चीज़ को मानते हैं। अगर शासन ने 10 डायरेक्शन जनता के फेवर में दिया है और 2 इनके फेवर में दिया है, तो ये जनता का 10 डायरेक्शन जो जनता के फेवर में रहता है वो ये नहीं मानते। जो इनके फायदे का है उसमें वो 2 चीज को ही निकाल लेते हैं। जो उन्होंने 13 अक्टूबर को दिया था, सबसे पहले एक यहाँ पर नोडल ऑफिस ओपन होगी और नोडल अधिकारी बैठेगा जो टोरेंट के सभी गलत कामों को रोकथाम करने के लिए, वो अभी तक सरकार ने, महाराष्ट्र के महावितरण के जो संचालक हैं उन्होंने या भांडुप के लोगों ने, यहाँ पे कोई जवाबदार अधिकारी तकरीबन 1 साल हो गया अभी तक उन्होंने भेजा नहीं, और ना ही उन्होंने इस बारे में कोई निर्णय ठोस लिया है। कहीं ना कहीं महावितरण के लोग भी इस टोरेंट पावर कंपनी, जो चोर कंपनी है, इस चोर कंपनी के साथ मिले हुए हैं। इसी में आपको पता चलता है कि जिस तरीके से हमने यहां पे आंदोलन किया, बिल्कुल इसी तरीके से मुमरा कड़वा के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। वो भी कई बार मंत्री महोदय की हियरिंग लगी, मगर वहां के भी लोगों को मुझे लगता है न्याय मिला नहीं। मगर इस शहर में सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई यहां पर है तो जिम्मेदारी होती है यहां की जनता की, यहां की आवाम की। जब तक इनके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक ये सोए हुए लोग इस शहर के जागेंगे नहीं, तब तक बिल्कुल इसी तरीके से टोरेंट कंपनी की दादागिरी पूरे शहर के कोने कोने में चलती रहेगी, जहां तक इनका पांव फैला है। इनकी दादागिरी को खत्म करने के लिए जब तक शहर के घर के एक एक बच्चे, एक एक घर के एक एक फैमिली के लोग रोड पर नहीं आएंगे, और इनको जब तक इनको दुरुस्त करने के लिए, सुधारने के लिए, कानून के दायरे में लाने के लिए, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि ये बहुत मोटी चमड़ी की है। इसमें 2 लोग हैं, एक सजनानी जो है वो स्टेट लेवल का दलाल है, वो स्टेट लेवल की दलाली करता है, और जो देशमुख है वो भिवंडी लेवल की दलाली करता है। तो ये 2 दलाल पूरे महाराष्ट्र में लोगों को मैनेज करते हैं, और मैनेज करने की वजह से सरकार को बोलते हैं हम जेब में रखते हैं, पुलिस के बारे में बोलते हैं ये टोरेंट के लोग की पुलिस हमारे जेब में है। और कहीं ना कहीं इस शहर की जनता और सभी पॉलिटिशियन को भी ये पता है कि पुलिस को मिसगाइड करके, गलत तरीके से पुलिस को ऊपर से प्रेशर लाके, पुलिस के कंधे के ऊपर बंदूक रख के ये इस शहर की जनता को लूट रहे हैं, और इस शहर की जनता को डरा के उनसे गलत तरीके से पैसा वसूल कर रहे हैं। आज भी ये लोगों के ऊपर बोगस केस करते हैं, जबकि सरकार ने कहा अगर कोई गलत करता है, अगर कोई चोरी करता है, आप उसके ऊपर FIR करो 24 घंटे में। मगर मेरे पास बहुत से रिकॉर्ड है जो 90% ये सिर्फ जो है सेटलमेंट करते हैं विदाउट FIR के, और वो पैसा पूरा अपने खजाने में रखते हैं, लोगों को हफ्ता देके
कुछ पॉलिटिशियन को, कुछ अलग डिपार्टमेंट के लोगों को पैसा देके मुंह बंद करने के लिए। तो हमने बहुत से ऐसे मुद्दे फिर से जमा किया है और बहुत जल्द हम अगस्त में एक बार फिर हल्ला बोल आंदोलन शुरू करने वाले हैं। और हमने सरकार को एक लेटर भी दे दिया है और हमने महावितरण को भी एक लेटर दे दिया है कि अगर इनके ऊपर इनको लगाम नहीं लगाई गई तो यहाँ पे इनको पावर कंपनी चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ की जनता सहन नहीं करेगी। हम सरकार की बात करो तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी शहर में एक लोकसभा चुनाव के दरमियान एक बड़ा भाषण दिया था कि टोरेंट कंपनी के ऊपर हम मीटिंग बैठाएंगे, टोरेंट कंपनी के ऊपर हम कोई ना कोई चौकसी बैठाएंगे। लेकिन आज लोकसभा चुनाव होने के 4-5 महीने के बाद भी टोरेंट कंपनी के ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी पत्र व्यवहार नहीं हुआ है, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो चुनावी जुमला था, यहाँ के खासदार महोदय के जनसभा में वो आए थे वरला तालाब में और उन्होंने बहुत ही छाती ठोक कर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इनकी इंक्वायरी लगाएंगे जो जो गलत काम ये टोरेंट कंपनी कर रही है। और साथ साथ में 27 SP का जो मामला चल रहा है पूरे शहर में, जिनको जस्ट डबल बिल आने लगी, ट्रिपल बिल आने लगी, उसके ऊपर भी बोले हम ठोस निर्णय लेंगे। अगर आचार संहिता नहीं होता ये निर्णय बोले हम आज का आज ले लेते। अब आचार संहिता भी खत्म हो गई, इलेक्शन भी खत्म हो गया और मुख्यमंत्री जी का उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। हमने उनको भी पत्र व्यवहार किया है और हम खासदार महोदय को भी मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से जिस आपके संबंध हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, आपके पर्सनल रिलेशन हैं, आपको खुद एक बड़े जवाबदार इस शहर के खासदार हो, खासदार की जिम्मेदारी इस शहर ने आपको दोबारा चुन के दिया है और भारी मतों से चुन के दिया है, तो आप इस शहर के लोगों के साथ न्याय करो, यहाँ की जनता को आप न्याय दो। जो ये डाकू कंपनी टोरेंट पावर कंपनी जो डाकू कंपनी है, इनके ऊपर अगर रोकथाम नहीं लगाओगे तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा, ये शहर खत्म हो जाएगा। ये शहर में लोग सिर्फ गलत तरीके से लोगों से जो बिल वसूली किया जा रहा है, कितने कारखाने वाले यहाँ पे 70% पावर लूम बंद हो चुके हैं, कितने कारखाने वाले ओला गाड़ी चला रहे हैं, दूसरे क्या किसी के गोदाम में नौकरी कर रहे हैं। तो ये शहर को बचाने की जवाबदारी है हम लोगों की और हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम आखिरी तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक जान में जान है हम इस डाकू कंपनी से लड़ते रहेंगे। पावर चोरी के विषय में क्या कहेंगे, क्या जनता इतनी पावर चोरी करती है जितने उनके ऊपर केसेस होते हैं? देखिए, ये क्या करते हैं कि पावर चोरी के विषय में ये अपना खुद ऑफिस में पूरा फॉर्मेट तैयार रखते हैं, इनके 2 विटनेस रहते हैं, पूरा पंचनामा तैयार करते हैं और वही 2 आदमी पूरे भिवंडी शहर में, उनका नाम पंचनामे में रहता है। अभी मेरे पास कई ऐसे केस आए हैं जो बेचारे चोरी भी नहीं किए और जाके गिरगिरा रहे, तो 1,80,000 उनको बताया गया, फिर 1,80,000 से उसको बोले 80,000, फिर अभी बोलते हैं 50,000। उसके कंप्लेंट में इन्होंने जो केस बनाया उसमें लिखा है तुम्हारे यहाँ AC है, गीजर है, ये है, वो है, TV है, जबकि मैं पर्सनल वहां जाके चेक किया तो वहां पे TV और फ्रिज ये सब कुछ है ही नहीं, वो गरीब आदमी है। तो इस तरीके से बोगस केस करते हैं और हमारी लड़ाई यही है कि जो कुछ बोगस हो रहा है उसको रोको, तुम कानून के दायरे में रह के काम करो। ये जो है लोड शेडिंग करते हैं, जो कुछ पावर ये चोरी होती है उसको ये बीच में एडजस्ट करते हैं, ये लोड शेडिंग इनको करना नहीं चाहिए जबकि ये गलत है, मगर ये लोड शेडिंग करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग एकदम लेवल पे चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और गलत काम हम रोकने की काम करेंगे। ये भी सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो टोरेंट को भगाने के लिए मुहिम चला रही है, लेकिन शहर के और भी जवाबदार जो लोग हैं, क्या उनकी शहर की जनता के हित में या शहर के जो यहाँ के लोग हैं जो आज टोरेंट पावर कंपनी से काफी पीड़ित हैं, क्या उनके मदद के लिए वो पार्टी के लोग आज सड़कों पर क्यों नहीं उतरे, इसके बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे? देखिए, ये शहर की जनता को देखना चाहिए, शहर की आवाम, ये बहुत जवाबदारी का काम है जो कुछ हो रहा है भिवंडी शहर में, ये डाकू कंपनी को रोकने के लिए। यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, यहाँ BJP के आमदार हैं, शिवसेना के आमदार हैं, BJP के खासदार हैं, कांग्रेस के महापौर हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये लोग इसके इस कंपनी डाकू कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं बात करते, जबकि कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इन्होंने जो कुछ कॉरपोरेशन के लोगों ने जो इनके ऊपर जो है रिक्वायरी निकाला था वो भी सरकार ने माफ किया है, तो यहाँ का महापौर सो क्यों रहा है? सरकार के पास ही क्यों नहीं जाते?
हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? ये सब मिली भगत है इनकी, ये सब अपने पर्सनल फायदे लेने के लिए इस डाकू कंपनी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर इनका पर्सनल फायदा नहीं है तो फिर ये क्यों सो रहे हैं? इस शहर की जनता को सोचना है, इस शहर की आवाम को सोचना है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।